हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जिन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 इंग्लिश क्लास नंबर 7। सो इसमें आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आखिर क्या होता है, हमें पहले ये कुछ सेंटेंस हैं, हमें इन्हें पढ़ना है। द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड I sleep at 10 PM. They swim. You eat fruits. She reads book. So simple present tense होता क्या है? ये कुछ idea और actions को denote करता है, कुछ habits से, daily events से, या फिर कुछ universal truth से। Universal truth होता है वो बात जो सच्ची हो। जैसे ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रुथ है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, हमें वो पढ़ना है। सो जब भी प्लूरल होता है, कोई प्लूरल नेम होता है या फिर कोई प्लूरल बॉयज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे, कोई पीपल या फिर आई का यूज़ हो रहा हो, यू का, वी का, दे का, दीज का, तो यहाँ पे हमारा कुछ भी चेंज नहीं होता और हम एज इट इज़ वर्ब को लिख देते हैं। और जब सिंगुलर होता है या फिर किसी पर्सन का नाम, ही, शी, इट, या फिर किसी पर्सन का नाम और सिंगुलर थिंग होती है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? एस, ई एस और आई ई एस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखने के लिए। सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, यू, वी, दे, ही, इट, शी, या फिर किसी पर्सन का नेम। वो जो सब्जेक्ट होता है इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जो काम कर रहा है, जो करता है वो सब्जेक्ट होता है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। तो इसमें एक चेंज होता है, जब सिंगुलर होते हैं या फिर कोई नेम होता है तो वर्ब की फॉर्म में एस, ई एस या आई ई एस को ऐड कर दिया जाता है वर्ब के हिसाब से। तो देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। जैसे एस को ऐड करके दिखाया है, हम वॉक का वॉक्स लिख सकते हैं एस ऐड करके यहाँ पे। इसी तरह से क्लाइम को क्लाइम्स लिखेंगे एस ऐड करके। अब जो चीज़ें एस, एक्स, सी एच, एस एच, ओ जेड से एंड होती हैं, उनके लिए ई एस लिखते हैं। ये हमारा एक रूल होता है। जैसे मिक्स में एक्स से एंड हो रहा है तो हम लिख देंगे मिक्सेस। हमें हटाना कुछ नहीं है, मिक्स को एज इट इज़ लिख के ई एस लगा देना है। ऐसी कैच में कैचेस, वॉश में वॉशेस, गो में गोज, बज में बजेस, मिस में मिसेस। अब जब कांस्टेंट वर्ड होता है और उसके आखिरी में वाई होता है तो हम आई ई एस लगाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लगा रखा है, स्टडी का बन जाता है स्टडीज। इससे जो है ये किससे है, कांस्टेंट से स्टार्ट है और आखिरी में इससे क्या आ रहा है, वाई। यानी जिस नंबर के आखिरी में जब कांस्टेंट आए और उसके बाद वाई आए तो वहाँ पे आई ई एस का यूज़ होता है। इसी तरह से एस हम ऐड करते हैं उन नंबर्स में, यहाँ पे एस का एक रेगुलर यूज़ दे रखा है और उसके बाद एक रूल दे रखा है एस को यूज़ करने का, कि जब वर्ड से एक वर्ड पहले वाई ए हो, यानी कोई वोवल हो, और उसके बाद वाई हो तो हम एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे वाई से पहले ए है, यानी सेकंड लास्ट वर्ड जो है वो वॉवल है और लास्ट वर्ड वाई है, तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे, तो ये हमारा बनेगा प्लेस। तो अब हमें यूज़ करना है एस, ई एस और आई ई एस का। तो टॉक का क्या बनेगा, टॉक्स। क्या बनेगा, टॉक्स। फिक्स का क्या बनेगा, फिक्सेस। फिक्सेस क्यों बनेगा, क्योंकि आखिरी में एक्स आया है तो ई एस लगेगा। टीच का क्या बनेगा, टीचेस, क्योंकि सी एच का यूज है इसके लास्ट में। से का क्या बनेगा, सेज। सेज का बड़ा ध्यान से समझिए क्यों बनेगा, जो सेकंड लास्ट वर्ड है यहाँ पे
वो है हमारा वोवल, और लास्ट वर्ड है हमारा वाई। तो डब्ल्यू यानी वोवल प्लस वाई हमारा क्या होता है, हम इसमें एस लगा देते हैं वर्ड के संग। तो से के संग एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेस। तो ये थी हमारी इंग्लिश की वर्कशीट, कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सो बाय, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के संग।